शाम को तुम्हारा डिजाइनर से ड्रेस आ जाएगा, रात को जब नायला आंटी आए तो वही ड्रेस पहन, और उसके साथ मैचिंग इयररिंग जरूर निकाल लेना। गुड़िया की शादी अभी हुई है, मैंने सोचा था मेरे पास एक दो साल तो होंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों को जल्दी क्या है? अरे पगली, गुड़िया की शादी के बाद तो हमें तुम्हारी शादी की ज्यादा जल्दी है। ठीक है, रिश्ता देखभाल के करेंगे, मगर हमें इसी साल तुम्हारी शादी करनी है। लोग भी तो बातें बनाते हैं कि छोटी बहन की शादी पहले क्यों की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। वैसे ये रिश्ता बहुत अच्छा है, और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैंने और राशिद भाई ने बहुत छानबीन की है इस रिश्ते की। वैसे सच पूछो तो मेरा और राशिद भाई का बहुत दिल है कि यहाँ बात बन जाए। छोटी सी फैमिली है, लड़का एस्टेब्लिश है, खानदानी लोग हैं, और क्या चाहिए हमें। ठीक है ठीक है, तैयार हो जाऊंगी। खुश शाबाश। शादी शादी सब मेरी शादी करवाने को तैयार। कैसा ताल्लुक था तुमसे फिरोज, मैं समझ ही नहीं सकी। बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे ख्याल को अपने जहन से झटक नहीं सकती। काश मैं तुम्हें रोक सकती फिरोज। तो लाल ले गया था मेरे ज्वेलरी बॉक्स में। कैसे आप लेना प्लीज। राहिला, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी बेटी को हमारे साथ रुखसत करें। सच पूछें तो मेरी भी दिली ख्वाहिश यही है कि जल्द से जल्द इस फर्ज को पूरा कर लो, लेकिन सिद्रा की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप खुद सोचें, इन हालात में मैं लारेब की शादी कैसे कर सकती हूँ। अब तो रिश्ता पक्का हो गया है, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, और आप शादी की कोई तैयारी ना करें। हम चंद लोग आएंगे, अपनी बेटी को अपने साथ रुखसत करके ले जाएंगे, जो भी अरमान होंगे वलीमे पर पूरे कर लेंगे। ठीक है, बस आप इसी महीने की कोई तारीख दे दीजिए, हमारी मजबूरी है, हम भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। ठंडे दिमाग से सोचें, लारेब की फर्ज से फारिग होंगी तो सिद्रा और मनाहिल के बारे में सोच सकेंगी। मैं राशिद भाई से मशवरा कर लूँ, फिर फोन करके बताती हूँ आपको। उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ में होगा। चाय पिया ना, ठंडी हो रही है।